इस रोड का सफ़र बहुत ही अच्छा था, लगभग 4 घंटा या 4.5 घंटा लगा हमको यहाँ पहुँचने के लिए। ये नज़ारा देखने को मिला और आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नज़ारा बहुत ही अच्छा। आप व्लॉग पर ज़रूर कंटिन्यू बने रहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी उठे हैं हम सुबह सुबह, लगभग 4:30 बजे उठ चुका था मैं, नहीं 4 बजे उठ चुका था, नहा धो के तैयार वैयार हो चुका हूँ। लगभग 5:30 बज रहे हैं और हम आज जा रहे हैं कुछ ऐसी नई जगह जो कि आपको देखने में मज़ा आएगा। थोड़ा सा दूर जा रहे हैं इसलिए सुबह सुबह उठे हैं। सो गाइस, ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना। सो गाइस, चलते हैं अपने लोकेशन टारगेट पर। सो गाइज, अपन निकल चुके हैं अपने टारगेट लोकेशन की ओर और हम चल रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ का मौसम आप देख सकते हो सुबह सुबह का है, कुछ इस तरीके का है। अभी लगभग 6 बज रहे हैं, 6:10 कुछ हो रहे हैं टाइम। और ये है गीदम रोड, आप देख सकते हो ये नज़ारा कुछ इस तरीके का है, बेहतरीन सा। सो गाइस, सुबह सुबह निकले थे तो जाहिर सी बात है कि भूख तो लगेगा ही, तो हम थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं ढाबा पर उतर कर और देखते हैं क्या क्या मिलता है इस ढाबे में नाश्ते में, अभी क्या क्या बना हुआ है। लगभग 6:30-7 बज रहे हैं। सो गाइस, वहां पता चला कि 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा तो हम निकल गए। सो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं नाका के पास और यहां से होता है जर्नी स्टार्ट। व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked. सो गाइज, आप देख चुके कि कितने सारे बंदर थे रोड पर, क्योंकि ये तीरथगढ़ रोड है, ये जंगल में होते ही ये मौसम पर। और ये नज़ारा कुछ इस तरीके का है, आप मौसम देख सकते हो और नज़ारा कुछ बेहतरीन सा है। आप मोड़ को देख सकते हो कितना। सो गाइज, अगर आप यहाँ से राइट लेते हो तो आप तीरथगढ़ की ओर जाओगे और हमें जाना है आगे। गाइज, आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन है मौसम, क्योंकि ओस ढक चुका है, मतलब फवारे ढक चुके हैं और रास्ते पर कुछ दिख नहीं रहा है। हम सुबह सुबह निकले और बारिश का मौसम बनाया हुआ है। गाइज, आपको दिख ही रहा होगा कि हम कितने स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि हमें सुबह सुबह वहाँ पहुँचना है। अगर हम सुबह सुबह पहुँचते हैं तो ही हमारा काम हो पाएगा, लेट से पहुँचेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। और इतना दूर जाके काम ना होना अच्छा नहीं लगता। और आप रास्ते देख सकते हो कितने मोड़ है ख़तरनाक, लेकिन फिर भी हम जा रहे फुल स्पीड में। इंजॉय द राइड। गाइज, यहाँ पर बेहतरीन सा सीन दिख रहा है, आपको सामने दिख ही रहा होगा हल्का हल्का, लेकिन गाइज खुली आंखों से बेहतरीन, मतलब मज़ा ही आ जा रहा है देखने के लिए। ऐसा सीन मैं खाली फ़ोटो और वीडियो में देख चुका हूँ, लेकिन आज पहली बार खुद की आंखों से देख रहा हूँ। ये वाला सीन तो आपको दिख ही रहा होगा, अगर हमारे पास ड्रोन होता तो आपको हम बेहतरीन तरीके से दिखा पाते। सो गाइज, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, आपको दिख ही रहा होगा। सो गाइज, फाइनली हमें तोंगपाल पहुंचने के बाद एक होटल मिला जहां नाश्ता बन चुका था, इडली बन चुका था, तो हम थोड़ा सा इडली मंगा लिए, नाश्ता वास्ता करते हैं फिर निकलते अपने राइड पे। गाइज, हमें जल्दी पहुंचना था इसलिए हम फटाफट नाश्ता कर ली और निकल गए अपने जर्नी पर। सो गाइज, 2 घंटे की लगातार सफ़र के बाद हम पहुँचे सुकमा से 30 किलोमीटर दूर पहले, मतलब सुकमा नहीं पहुँचे, सुकमा पहुँचने के लिए अभी 30 किलोमीटर दूर बाकी है। और हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ रुके थे, क्योंकि लगभग 2-2.5 घंटे से बैठ के चल रहे हैं और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे हम यहाँ पर 5-10 मिनट, फिर निकलेंगे अपने जर्नी पर। सो गाइस, ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। और आपको मेरा शक्ल देख के पता चल ही रहा होगा कि कितना धूल मिट्टी है, रोड भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ का। टोंगपाल से थोड़ा सा सामने और थोड़ा सा आगे 10-10 किलोमीटर दूर तक लगभग रोड ख़राब है,
इसलिए कमर में थोड़ा दर्द हुआ। सो गाइस ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा और मज़ा भी आएगा। आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को है और नज़ारे सीन्स है, तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने। सो गाइस फाइनली अब हम पहुंच गए मलकानगिरी। ये है मलकानगिरी का बाजार सेट, मतलब यहाँ बाजार लगता है और आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीके का है। और यहाँ पहुँचने में हमको 9:30 बजा, मतलब 9:30 बज गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। और ये लाइन आप देख रहे हो, यहाँ थोक का सामान मिलता है, जो भी सामान टमाटर वमाटर आलू प्याज, अगर आप यही आसपास के हो तो यहाँ आके परचेस कर सकते हो। सो गाइस मैं वहाँ से निकल गया, मैं वेट कर रहा था भैया का, भैया के साथ बैठे थे दूसरे भैया का वेट कर रहे थे, तो मैं सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ आपको जर्नी। और आप यहाँ देख सकते हो ये है मलकानगिरी का सिटी, मतलब मेन रोड ये है। और यहाँ से हम जाएंगे एक बेहतरीन जगह पर जो कि आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। सो गाइस पहले देख लो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं और यहाँ से ना आप बस स्टैंड जा सकते हो, यहाँ से आपको लेफ़्ट जाना पड़ेगा, लेफ़्ट जाने के बाद आपको मिल जाएगा बस स्टैंड अगर आपको कहीं भी जाना हो तो। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, मौसम भी मस्त है और लोग भी नहीं हैं उतने, क्योंकि अभी 9:30 ही बजे हैं। और बाद में देखते हैं कितना भीड़ होता है, क्या होता है, अगर हम रह पाते हैं ज़्यादा समय तक तो आपको दिखाऊंगा ही कितना भीड़ होते हैं यहाँ पर। और आप सभी सामने वाले पहाड़ को देख ही रहे होंगे, यहाँ से लेफ़्ट लोगे तो बस स्टैंड पहुँच जाओगे, दो रास्ते बस स्टैंड पहुँचने के लिए। सामने वाला पहाड़ देख रहे हो ना, वही नज़ारा आपको दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा बेहतरीन नज़ारा है। सो गाइज आपको दिख ही रहा होगा सामने का सीन, हम जा रहे हैं वो सीन के आसपास, क्योंकि वो सीन थोड़ा सा बेहतरीन दिखे, मतलब अच्छे से दिख जाए, इसलिए हम थोड़ा सा पास जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा। सो गाइज जैसे कि आप देख चुके थे, हम पहुँच गए थे मलकानगिरी मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कुछ काम था, उस काम को निपटा रहे भैया, और थोड़ा मैं घूमने निकला कि आप सभी को दिखा सकूं यहाँ का नज़ारा। और आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि किस तरीके का नज़ारा है इधर, पहाड़ बहुत ही खूबसूरत, मस्त मस्त नज़ारा देखने को बहुत ही अच्छा लगता है यार, इतना मस्त है कि कोई भी टेंशन रहे ना, देखने के बाद वो टेंशन दूर हो जाता है। इस रोड का सफ़र बहुत ही अच्छा था, लगभग 4 घंटा या 4.5 घंटा लगा हमको यहाँ पहुँचने के लिए, ये नज़ारा देखने को मिला। और आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नज़ारा बहुत ही अच्छा है, आप व्लॉग पर ज़रूर कंटिन्यू बने रहिए, और भी चीज़ें हैं जो आपको दिखाना बाकी है, क्योंकि हम स्पीड से आए तो हम उस चीज़ को वीडियो नहीं बना पाए। अब जाते टाइम हम उस चीज़ का वीडियो बनाएंगे जो कि आपको मैं दिखाना चाह रहा था, और यहाँ ये चीज़ देखने को ज़्यादा ही मज़ा आता है। सो गाइस व्लॉग पर ज़रूर कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। हमारा क्या हालत हो गया यार, 4-4.5 घंटे से गाड़ी चला ही रहे हैं, ये फसीनों में आए हैं भैया के साथ, इतना रफ्तार से आए हैं पूछो मत। और बीच में रोड इतना ख़राब था कि धूल मिट्टी पूरा जम गया था, थोड़ा सा फ्रेश हो गया मार्केट में, फिर निकला आप सभी को थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाऊं करके, और आपको दिखाता हूँ यहाँ के पीछे का नज़ारा। सो गाइज अगर आप जब भी आओगे मलकानगिरी और इस पहाड़ को देखने आओगे, या फिर आप यहीं के हो, तो सबसे पहले आप ये पास पहुंचकर 2-4 बार लंबी सांसें लेकर छोड़ो और मस्त शांत से देखो, आपको इतना खूबसूरत लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा ये चीज़ देखने के लिए। सो गाइज ये चीज़ ज़रूर करके देखना, आनंद मिलेगा और बहुत ही मज़ा आएगा यार, लिटरली गाइज, जो कैमरे में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन सामने खुली आँखों में बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, मस्त नज़ारा। और ये मौसम धूप भी नहीं है ना बारिश हो रही है, मौसम ढका हुआ है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रास्ते में मैंने तो ऐसे ऐसे नज़ारे देखे जो कि मैं पिक में या वीडियो में देखा था, लेकिन इस बार मैं खुद के आंखों से उस चीज़ को देखा और फील किया। सो गाइज
बहुत ही मजा आया गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पहाड़ लंबी दूर तक, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है और इतना मस्त लग रहा है आप सोच भी नहीं सकते। और ये मौसम तो आप देख ही सकते हो, बादल का हल्की हल्की सी उस पहाड़ पर धूप पड़ रही है तो मस्त लग रहा है यार आंखों में। और आपको थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा होगा, ये पास एक मंदिर है और कुछ लिखा हुआ है, कोई चढ़ के शायद वो पत्थर पर लिखा हुआ है, कुछ लिखा है बस पता नहीं, क्योंकि वो ओडिया लैंग्वेज पर लिखा हुआ है, ओडिशा लैंग्वेज पर। और ये नज़ारा आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही मज़ा आया। जब भी कभी आओ तो आधा एक घंटा समय निकाल कर ऐसी जगह पर थोड़ी शांति से बैठ के आप उसका आनंद ले सकते हो। सो गाइस, वहाँ का सीन कंप्लीट होने के बाद मैं सोचा थोड़ा सा और टाउन घूम लेते हैं और आप सभी को भी दिखा देते हैं कि किस तरीके का क्या है। बहुत सारी दुकानें खुल चुकी है, अभी लगभग समय हो रहा है 10:15 और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। मौसम को आप देख सकते हो, मस्त खुला है और ये नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और गाइस, मैं इस रास्ते पर आया क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि बेहतरीन सा नज़ारा, सामने देखोगे ना तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा, खुली आंखों से अपनी खुद की आंखों से देखोगे ना तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा, जो कि मुझे अभी मज़ा आ रहा है और आपको भी मज़ा आ रहा होगा। कैमरे में लगभग लगभग बेहतरीन रिकॉर्ड हो ही चुका है जैसा मैं करना चाहता था। तो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही, पेट्रोल डला लेते हैं फिर निकलते हैं JDP के लिए। ये रहा नज़ारा, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो बारिश हो रही है, हम निकल चुके हैं और ये पहाड़ का नज़ारा जो कि मैं आपको बिना बारिश का दिखाने वाला था, और ये बारिश हो रही है, नज़ारा कुछ बेहतरीन सा है। अगर आप सामने होते तो बहुत ही मज़ा आता, बेहतरीन लगता। हम एक जगह पर रुके हुए हैं क्योंकि ज़्यादा तेज़ बारिश गिर रही है और रेनकोट पहन लिए, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन नज़ारा कुछ बेहतरीन सा है। अगर आप लिटरली सामने से देखोगे तो मज़ा ही कुछ और आ जाएगा, देख सकते हो बेहतरीन नज़ारा है। सो गाइस, फाइनली हम घर पहुंच गए और घर पहुंचते पहुंचते समय हुआ लगभग 9:30 घर पहुंचने के लिए। गाइस, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया आप सभी को, तो और बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाह रहा था लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं मोबाइल निकाल ही नहीं पाया, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। सॉरी गाइस, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सब चीज़ अच्छे से कंप्लीट हो गया, अभी घर पहुँचे, थोड़ा सा पानी गर्म करवाए हैं क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, फिर खाना वाना खा लेंगे। सो गाइस, सब चीज़ अच्छे से हो गया, बस बाकी है बोलने, इस वीडियो को एडिट करना बाकी है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्या है कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। और इस वीडियो में कुछ गलती हुआ है तो हर बार की तरह छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग पर। जय हिंद, जय भारत।